हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ यूनिक, कुछ न्यू आज मैं अपने चैनल पर लेकर आई हूँ। सो आई होप कि मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपने हेयर्स को जो है अच्छे से कवर कर लिया है और अब हम इसका बना लेंगे एक अच्छा सा पोनीटेल। आपने पोनीटेल बनाने के लिए अपने हेयर को जो है चारों तरफ से अच्छे से कवर करना है और पोनीटेल भी थोड़ा सा हम टाइट रखेंगे, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं कुछ न्यू सा, कुछ अच्छा हेयर स्टाइल, हेयर बन। ठीक है, तो देखिए मैंने अच्छे से जो है अपने हेयर को कवर कर लिया है और अब मैं टाइट पोनीटेल बनाने लगी हूँ। ये देखें, अच्छा सा मैंने टाइट पोनीटेल बना लिया है। अब हम लेंगे कोई क्लिप होती है ना, पिन टाइप। अगर आप लोगों के पास इस तरह की पिन नहीं है, मैं जो है नोज पिन यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। ये देखें, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रही, यहाँ पर जो है हम ये वाली नोज पिन यूज़ कर रहे हैं। और अगर आपके पास ऐसी पिन नहीं है तो आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। पेंसिल तो हर किसी के घर ही अवेलेबल होती है, तो इजीली आप पेंसिल को जो है अपने बिल्कुल हेयर के सेंटर में, पोनीटेल के सेंटर में लगा लेंगे। देन उसके बाद हम एक साइड से अपने हेयर को थोड़ा सा पार्ट लेंगे हेयर का और इसको ऊपर से ट्रांसफ़र कर देंगे सेकेंड साइड की तरफ। ये देखें कुछ इस तरह से। अब हम इसी सेम पोजीशन से दूसरे साइड से भी हेयर का पार्ट लेंगे और इसको उस साइड पर हम कवर कर देंगे अच्छी तरह। ये देखें, दोनों साइड जो हैं हमारे अच्छे से कवर हो गए हैं। अब हम उन हेयर को आगे कर लेंगे। अब जो बाकी के हमारे हेयर्स बचे हैं इनको भी इसी तरह से हम ऊपर से लेते जाएंगे और अच्छे से हम इसको टाइटली कवर करते जाएंगे। आप लोगों के पास इस तरह की पिन नहीं है तो आप इजीली पेंसिल का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में हम ये जो है पिन निकालने वाले हैं हेयर स्टाइल के बाद। ये देखें, अच्छे से मैंने कवर कर लिया है। अब दूसरी साइड से मैं दूसरा स्टेप ले रही हूँ और इसको भी मैं आगे की तरफ छोड़ दूंगी ताकि मुझे पता चलते रहे कि मेरे पीछे की तरफ कितने हेयर बचे हैं। अब हम जो है इस साइड से दोबारा लेंगे और इनको भी इसी तरह से ऊपर की तरफ ले जाकर उस साइड पर छोड़ देंगे। इनको भी मैं आगे रखूंगी। सो गाइस, प्लीज़ अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी तक मेरे 1000 जो है सब्सक्राइबर भी नहीं हुए। प्लीज़ गाइस, मैं इतनी वीडियोस बना रही हूँ आप लोगों के लिए, प्लीज़ सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखें, इस तरह से हमने बालों को अच्छे से कवर कर लिया है। अब जो हमारे बाकी के हेयर्स बचे हैं उनको मैं कर लूँगी पहले कॉम। कॉम करने के बाद अब जो है इनको मैं सिंपल थ्री बल वाली जो चुटिया होती है, इजीली जो हम आसानी से बना लेते हैं खुद से भी और आम रूटीन में भी हम बनाते हैं ये चुटिया, ये वाली चुटिया हम थ्री बल वाली कर लेंगे। और थोड़ा सा इसको टाइट रखेंगे, ज़्यादा लूज़ नहीं छोड़ेंगे। देखें, आगे करके मैं इसको जल्दी जल्दी कवर कर रही हूँ। ये देखें, तो सरीबल वाली चुटिया जो है मेरी कंप्लीट हो गई है और बाकी के जो हमारे हेयर्स बचे हैं उनको मैंने पीछे की तरफ फोल्ड कर लिया है और इसको भी मैंने इस तरह से ऊपर फोल्ड करके यहाँ पर जो है मैं बाल पिन का यूज़ करूँगी। आप लोगों के पास बाल पिन नहीं है, जूड़ा पिन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं जो है मैं यहाँ पर जूड़ा पिन यूज़ कर रही हूँ। आप लोग बाल पिन का यूज़ भी कर सकते हैं, जूड़ा पिन का भी कर सकते हैं। जूड़ा पिन से मैंने इसको कर लिया है फिक्स और ये हमारा हेयर स्टाइल बनकर हो गया रेडी।